तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ बेबलिट जी रेवोल्यूशन के एक प्लॉट होल के बारे में। तो यार आपको ये बात तो पता ही होगी कि हार्ड मेटल सिस्टम के जो बेबलेट्स होते हैं उनके लिए एक अलग टाइप का लॉन्चर इस्तेमाल करना पड़ता है। नॉर्मल बेबलेट्स के लॉन्चर से HMS बेबलेट लॉन्च नहीं हो सकते, इसीलिए केनी ने जब हार्ड मेटल सिस्टम को इन्वेंट किया था तो उसके साथ उसने उसको लॉन्च करने के लिए उसका एक अलग सा लॉन्चर भी बनाया था। और जो ब्लेड ब्रेकर टाइसन के साथ थे उनको सभी को एक HMS बेबलेट मिला और उनको एक लॉन्चर भी मिला, लेकिन काई उस टाइम टाइसन के साथ नहीं था। लेकिन फिर भी केनी ने उसके लिए एक ड्रॉन्जर MS बना के रखा था। ब्रुकलिन से पहली बार हारने के बाद काई लगभग बेबलेटिंग से मुंह मोड़ चुका था। काई जब हॉस्पिटल में टाला को देखने गया था तब उसने देखा था कि केनी ने उसके लिए एक नया ड्रॉन्जर वहाँ पे छोड़ के गई है, लेकिन वहाँ पे आसपास कोई लॉन्चर उसने नहीं छोड़ा था। लेकिन फिर भी काई मस्त एक छत पे ड्रॉन्जर MS को लॉन्च करके मस्त प्रैक्टिस कर रहा था बिना एक HMS लॉन्चर के। तो गाइस ये था बेबलेट जी रेवोल्यूशन का एक प्लॉट होल। आपके इसके ऊपर क्या थ्योरी है वो आप कॉमेंट में मुझे जरूर बताना।